हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीपी जनरल स्टोर। इस वीडियो में आज हम कैडबरी के पर्क चॉकलेट और फाइव स्टार चॉकलेट और ओरियो बिस्कुट के होलसेल रेट के बारे में बताऊंगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल कर दें। इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। तो आइए इस वीडियो को हम चालू करके देख सकते हैं। पर्क कैडबरी पर्क है 10 रुपया वाली, देख सकते हैं। पर्क कैडबरी है, इसके अंदर देख सकते हैं 30 यूनिट होता है, यानी यह पर्क 10 रुपये का बिकता है, जो कि इसका होलसेल रेट 270 रुपया है। इसे 30 को बेचने पर 300 रुपया, यानी 300 रुपया का माल होता है, जिसमें हमें 30 रुपया का बचत होता है। यह पर्क एक डब्बा पर्क बेचने पर 10 रुपये वाली पर्क बेचने पर देख सकते हैं 10 रुपये वाली पर्क बेचने पर हमें 30 रुपये का बचत होता है। यहाँ अब फाइव स्टार की बात किया जाए 5 रुपया वाली, जो कि यह 245 रुपये का पड़ता है, जिसके अंदर देख सकते हैं 54 यूनिट होते हैं, यानी यह 270 रुपये का माल होता है, जिसमें हमें 70 रुपये का माल 245 का आता है, यानी इस पर हमें 25 रुपये का बचत होता है। यह फाइव स्टार चॉकलेट बेचने पर हमें 25 रुपये का मार्जिन होता है। यह देख सकते हैं फाइव स्टार चॉकलेट कैडबरी कंपनी का फाइव स्टार चॉकलेट है, इस पर हमें 25 रुपये का बचत होता है। वहीं कैडबरी के ओरियो बिस्कुट का बात किया जाए तो ये इसके अंदर 30 यूनिट होते हैं, या देख सकते हैं या 32 यूनिट होता है, देख सकते हैं या 32 यूनिट होता है, जो कि यह 5 रुपये का बिकता है, यानी ये इसका होलसेल रेट की बात किया जाए तो 145 रुपये का आता है इससे, यानी 32 यूनिट का होता है। इसका होलसेल रेट 145 रुपया होता है, इसके अंदर 160 रुपया का माल होता है, जिसमें हमें 15 रुपया का बचत होता है। देख सकते हैं ओरियो बिस्कुट हमें 15 रुपया का एक डब्बा बेचने पर बचत होता है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।